बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे ग्राफिक्स। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन पेज में शॉर्टकट की इसके के ज़रिए आप किस तरह से काम कर सकते हैं, यानी इन पेज में यूज़ होने वाली तमाम शॉर्टकट कीज जो आपको पता होनी चाहिए। और ये वीडियो हमें हमारी दो तीन लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगी, क्योंकि एक लेक्चर बड़े लेक्चर में हम इसको नहीं कर सकते, वीडियो को नहीं बना सकते। तो कुछ आज के लेक्चर में होंगी, कुछ कल के लेक्चर में, कुछ परसों के लेक्चर में, इस तरह से हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाएंगे। शॉर्टकट कीज़ का मतलब होता है कि आप, यानी जिस तरह आपने कोई चीज़ बोल्ड करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कोई इटैलिक करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हम शॉर्टकट कीज़ में इस्तेमाल होती हैं, कि शॉर्टकट कीज़ को आप किस तरह से इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपको प्रैक्टिकल वर्क साथ ही आपको करके दिखाया जाएगा कि अब बाकी ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं ये वर्क करती हैं, काम करती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी पहली शॉर्टकट की है कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए आप होम प्रेस करते हैं। कर्सर वो चीज़ होती है जो आप ब्लिंक कर रही होती है, ठीक है। कर्सर को एंड में, लाइन के एंड में लेकर आने के लिए आप एंड प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। और कर्सर को फाइल के स्टार्ट में लेकर आने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस होम करते हैं। और फाइल के एंड पर लेकर जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस एंड करते हैं, ठीक है। ये आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं। तो हम साथ ही अब इसको हम आपको करके भी दिखाएंगे। कर्सर ये देखें, ये कर्सर होता है, ये जो आपका ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, ये कर्सर है आपका, ये जो ब्लैक कलर का ब्लिंक कर रहा है आपके पास, ये आपका क्या है, कर्सर है, ठीक है। अब हम साथ साथ इसके प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, होम एंड एंड, लाइन के शुरू में ले जाने के लिए हम होम प्रेस करते हैं और एंड पे ले जाने के लिए एंड प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। ये देखें कर्सर हमारा दरमियान में है, हम होम प्रेस करेंगे, ये लाइन के शुरू में हमारा कर्सर आ गया है। साथ ही अगर हम एंड प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कर्सर हमारा एंड पर चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो शॉर्टकट की है ये वर्क कर रही है, काम कर रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की क्या है, वो ये है कि कर्सर को फाइल के शुरू में ले जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस होम और एंड पे ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे, कंट्रोल के बटन को दबा के होम प्रेस करेंगे, ये देखें हमारा कर्सर ऊपर आ गया है सबसे पहले पेज पे स्टार्ट में। और कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल के एंड पर आ गए, यानी जितने भी आपके पेजेस हैं, यानी अगर 70 पेज है आपका तो 17वें पेज पर कंट्रोल एंड प्रेस करने से आ जाएगा, और कंट्रोल होम प्रेस करने से आपका में ऊपर वाले सबसे पहले पेज के ये ऊपर वाले हिस्से में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की क्या है, एक हरफ दाएं जानब ले जाने के लिए आप क्या करते हैं, राइट एरो प्रेस करते हैं दाएं जानब, दाएं मतलब राइट एरो। ये जो आप इन्हें गेमिंग कीज भी कहते हैं, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, ये आप देखें राइट प्रेस कर रहे हैं तो ये राइट लेफ्ट को जा रहा है, लेफ्ट प्रेस कर रहे हैं तो लेफ्ट को जाएगा, राइट प्रेस करेंगे तो राइट को जाएगा, ठीक है। ये देखें कर्सर एक एक हरफ, ठीक है, यानी अगर मेरा में आपने लिखा है तो अलीफ एक हर्फ है, रे एक हर्फ है, ये एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, ठीक है, लफ्ज़ नहीं है, हर्फ और लफ्ज़ में फ़र्क होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हम क्या कहते हैं इसको, हम किस तरह से लफ्ज़ के लिए कर सकते हैं। पैराग्राफ के शुरू में कर्सर ले जाने के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस एरो डाउन, ठीक है, एरो आप सॉरी, ये कंट्रोल प्लस एरो आप किया, पैराग्राफ के शुरू में चला गया। ये आप देखें कंट्रोल प्लस एरो प्लस कर रहे हैं तो ये पैराग्राफ के शुरू में, और कंट्रोल प्लस एरो डाउन प्रेस कर रहे हैं तो ये पैराग्राफ के निचले हिस्से में आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है जी। तब तक के लिए अब जवाब दीजिए, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।